ये उस समय की बात होगी कि एक दिन इंद्र के दरबार में परी नाच और गाना करती थी। एक दिन वो देर से आती है और राजा इंद्र क्रोध में आकर उस परी को मृत्युलोक में भेज देता है। मृत्युलोक में बनों में वो परी घूम रही है। दूसरी तरफ जैसलमेर का राजा जैसल देव उस बियाबान जंगल में शिकार करने के लिए आया था और शिकार करते करते घूमता घूमता जैसे ही उस परी के पास पहुंचा तो उस परी को देखकर दीवाना हो गया। न्यू कहने लगा कि बियाबान में फिरते फिरते क्यों कर बाजे तान तेरी और रंज फिकर में लाली झड़गी या चंद्रमा से शान तेरी। अरे तू कौन है, कहां से आई है? उस परी ने बताया कि मैं स्वर्ग लोक से आई हूँ और राजा इंद्र ने मुझे क्रोध में मृत्यु लोक पर भेज दिया। प्रेमी श्रोताओ, वो जैसलमेर का राजा जैसल देव उस परी को अपने साथ ले जाता है, अपनी रानी बना लेता है। एक साल बाद उस परी ने एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। राजा जैसल देव ने दूर दूर से कश्मीर तक के पंडितों को बुलाया और उस लड़की का नामकरण करवाया। उन ब्राह्मणों ने यह कह दिया कि राजन, अगर ये लड़की तुम्हारे महलों में रहेगी तो तुम्हारे ऊपर कलंक बन सकती है। अरे इसको अपने पास मत रखो, इसको अपने महलों से दूर कर दीजिए। प्रेमी श्रोताओ, उन ब्राह्मणों के कहने पर राजा जैसल देव उस लड़की को गड्ढा खुदवा कर कहीं दूर फिकवा देता है। दूसरी तरफ एक कुम्हार और कुम्हारी मट्टी लेने के लिए गए हुए थे, उस लड़की को पड़े हुए देखा तो वो उस लड़की को अपने घर ले आते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। काफी साल ऐसे ही बीत गए। लड़की, उस लड़की का नाम सोरठ रख दिया कुम्हार और कुम्हारी ने। जैसे वो लड़की जवान हुई तो उसका रूप दमकता था, चंद्रमा सा चेहरा था, जो भी कोई देखता था मोहित हो जाता था। एक दिन वो लड़की अपनी सखियों के साथ में कुएं में पानी भरने के लिए गई, वहां पर उस तस्वीर बंजारे की नजर उस सोरठ पे पड़ जाती है, दीवाना हो जाता है, पीछे पीछे कुम्हार के घर पहुंच जाता है जहां पर वो लड़की रहती थी। कुम्हार और कुम्हारी से ये कहा कि जितना भी धनमाल आप मांगोगे, जितना भी सोना चांदी आप लोगे उतना दूंगा, बस इस लड़की सोरठ के साथ में मेरी शादी करवा दीजिए। सोना चांदी के तोल बराबर उस तस्वीर बंजारी के साथ उस सोरठ को भेज देते हैं कुम्हार और कुम्हारी। वो तस्वीर बंजारा खटका नगरी में अपना डेरा डाल देता है और खटका नगरी के अंदर वो तस्वीर बंजारा और सोरठ दोनों रहते हैं अपने डेरे में, अपने डांडे में। एक रोज की बात, राजा रोड शेयर करने के लिए चले गए बंजारे के टांडे की तरफ, बंजारे के डेरे की तरफ, और जैसे ही डेरे में नजर पड़ी राजा रोड की तो सोरठ को देख के चक्कर खा गया राजा रोड। अपने मंत्री से न्यू कहने लगा, मंत्री अरे मेरा तो सर चकरा गया। क्यों महाराज, क्या हुआ? कि देख यू बंजारा ने ना, बंजारा ना यू मेरे यहाँ खटक गई यहाँ, और जब तक ये बंजारा ना मेरी नहीं होगी जब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। किस तरह से, क्या कहता है वो तस्वीर बंजारा का मंत्री, वो राजा रोड का मंत्री राजा रोड को यूं समझाने लगा, महाराज आप राजा हो और यू एक बंजारण है, अगर इस तरह से आप अपना दिल इस बंजारण को दे बैठोगे तो बहुत बुरा होगा, ये इश्क की बीमारी बहुत बुरी बीमारी है। क्या समझाने लगा मंत्री राजा रोड को, सुनिए। हे रे इश्क बुरा, जंजाल जगत में ये तुड़वा दे से यारी ने, चालन की ना आसंग छोटी मार दिया बड़जारी ने, मार दिया बड़जारी ने, जंजाल जगत में तुड़वा दे से यारी ने, चालन की ना आसंग छोटी मार दिया बड़जारी ने, मार दिया बड़जारी ने। दुनियादारी कहती आई
अवतारी में लड़की ना।